इस में बात करने वाला हूं विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, विधायक का चुनाव जीतने के लिए कौन कौन से काम करने होते हैं। ऐसे में पांच छह कामों के बारे में बात करने वाला हूं। विधायक तो क्या हर स्तर पर ही, अगर आपको पार्षद का चुनाव लड़ना है तब भी ये काम करने होंगे, सांसद का चुनाव लड़ना है तब भी ये काम करने होंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में चुनाव लड़ना है तो भी ये काम करने होंगे, लेकिन विधायक के स्तर पर तो करने ही है। कौन कौन से काम है? सबसे पहला काम है, और बिना इसके कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता, मैं अपने 16-17 साल के राजनीति के अनुभव से आपको ये बता रहा हूं, और कोई भी व्यक्ति जो राजनीति का वो बता देगा। यदि आप विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, कोई भी इलेक्टेड पद पर जाना चाहते हैं, आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अपनी टीम को तैयार करना है। बिना टीम के आप विधायक नहीं बन सकते। अगर विधायक बनना चाहते हैं, मजबूत टीम बनाइए, और कितनी मजबूत टीम बनाइए, कम से कम 9 लोगों की तो स्ट्रॉन्ग टीम बनाइए जो आपकी कोर टीम होगी, और उसके अलावा हर बूथ पर आपका व्यक्ति होना चाहिए। आपकी विधानसभा में 200, 250, 300 बूथ होंगे, जितने भी बूथ हैं हर बूथ पर अगर आप एक व्यक्ति ऐसा तैयार नहीं कर सकते जो डायरेक्ट आपके साथ कनेक्टेड है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर आप पार्टी के उम्मीदवार बन भी गए तो पार्टी में 10, 15, 20 लोग होते हैं जो दावेदार होते हैं, और आपको टिकट मिल गई, वो 19 लोग और उनके खास लोग जो बूथ पर होंगे वो जिताने की बजाय हराने का भी काम कर सकते हैं। वो आपके लिए ही क्यों काम करें, क्यों वो आपको उम्मीदवार स्वीकार कर लें, क्यों आपको विधायक बना दें? उसके लिए आपको अपनी टीम भी बनानी पड़ेगी। भले ही काम वो करें, लेकिन कम से कम आपकी पैरेलल टीम हो जो आपको फीडबैक फॉलोअप का काम कर सके, जो आपको बता सके कौन व्यक्ति काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा। सबसे बड़ी चीज टीम है, और जितनी मजबूत टीम जितना जल्दी बना पाएंगे उतना जल्दी आप विधायक के रेस में आगे बढ़ पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे, सफलता पा सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और यदि आपने टीम ही नहीं बनाई, या टीम बनाने से चूक गए, या मजबूत टीम नहीं बना पाए, तो आपकी सफलता की संभावना कम हो जाएगी, आप विधायक नहीं बन पाएंगे। विधायक के अलावा अगर कोई और भी चुनाव लड़ना है तब भी टीम की जरूरत है। दूसरा, टीम तो ठीक है बना ली, अब टीम के अलावा और क्या चाहिए? अगर टीम मजबूत बना ली है तो भी अगर आपके पास अपना रोड मैप नहीं है, कैसे कैसे काम करेंगे, चुनाव से 1 साल पहले करने वाले काम कौन से होंगे, चुनाव से 6 महीने पहले कौन से काम करेंगे, चुनाव से 3 महीने पहले कौन से काम करेंगे, चुनाव वाले महीने में कौन से काम करने हैं, हर दिन का एक रोड मैप, आपका अपना रोड मैप, अपना विजन नहीं है, विधायक बनकर क्या करना है? ठीक है, आप विधायक बन गए, फिर विधायक बनने के बाद क्या करेंगे? सिर्फ विधायक बन जाने उद्देश्य है? विधायक बन के कुछ करना होगा ना, तो वो काम के लिए आपका रोड मैप होना चाहिए। विधायक बन के क्या काम करने वाले, कौन से मुद्दों को उठाना है, उन मुद्दों पर काम कैसे करना है, समस्याएं क्या है, समस्याएं पता चल गई तो समाधान क्या होने वाले हैं, कैसे आप काम करने वाले हैं, आपका पूरा एक रोड मैप, एक विजन होना चाहिए जो आपके लिए भी मदद करेगा, आपकी टीम की भी मदद करेगा, और सबसे ज्यादा मदद आपकी जनता की करेगा, आपके वोटर की करेगा। जो आपको वोट देने वाले हैं उन्हें पता चलेगा मेरे लीडर का कोई विजन है, उस विजन पर वो काम करना चाहता है, और वो विजन जितना इफेक्टिव होगा, जितना बढ़िया रोड मैप बनाएंगे, जितना विस्तार से बनाएंगे, जितना विस्तार से जनता को समझा पाएंगे, जनता के लिए जो रोड मैप बनाएंगे वो जनता के सामने रखिए, टीम के लिए जो बनाएंगे टीम के लिए सामने रखिए, अपने लिए जो बनाएंगे वो अपने सामने रखिए, और उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए जनता को ये व्यक्ति जो कह रहा है वो करने वाला है, इसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, तो आपकी जीत की संभावना बढ़ेगी, और विधायक के चुनाव में बढ़ेगी, सांसद के चुनाव में बढ़ेगी, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में बढ़ेगी, पार्षद के चुनाव में बढ़ेगी, मेयर के चुनाव में बढ़ेगी, आप चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर बढ़ेगी। हर जगह आपका रोड मैप आपके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होगा, अगर आपने बढ़िया तरीके से रोड मैप बनाया, अपना विजन जनता के सामने रखा, अपनी टीम के सामने रखा, आपके सामने आपका विजन बोर्ड होगा तो आपको मदद करेगा आपकी सफलता पाने में, आप विधायक बन पाएंगे, विधायक का चुनाव जीत पाएंगे। एक और चीज जो मैं बार बार बोलता हूँ, पर्चा चर्चा और खर्चा, इसमें पर्चे वाला बड़ा रोल है, टिकट का बड़ा रोल है। मैं ये नकार नहीं सकता कि भारत में पार्टियों को वोट मिलता है, उम्मीदवारों से ज्यादा वोट पार्टियों को मिलता है, और 90% चांसेस हैं अगर आपने किसी ऐसी पार्टी से टिकट ले लिया जिसकी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा है, या जो रेस में मजबूत दावेदार है, तो आपकी मेहनत आधी हो जाती है, आधी मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है उम्मीदवार को कोई जानता नहीं होता, बहुत सारे सांसद विधायक ऐसे हैं जिनका नाम तक आपको नहीं पता होंगे, और वो ऑलरेडी सांसद विधायक है, और एक बार से नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 योजनाओं से विधायक है, और क्यों विधायक बन पाए? क्यों? क्योंकि वो किसी ऐसी पार्टी, ऐसे संगठन से जुड़े जिस पार्टी संगठन ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उन्हें टिकट मिल गई, ऐसी पार्टी संगठन से मिल गई जिस पार्टी संगठन ने उनके चेहरे को आगे बढ़ा करके, उन्हें आगे पहुंचा करके, उन्हें सफलता दिला दी, और वो नाम कमा पाए, वो सफल हो पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं, अपने चेहरे पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिल पाई, और क्योंकि पार्टी से टिकट नहीं मिल पाई वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो सफल नहीं हो पाए, वो अपना नाम नहीं कर पाए, वो विधायक सांसद नहीं बन पाए।
ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है, पार्टी की टिकट, और टिकट के लिए क्या क्या काम करने, कैसे करने, वो मैं कई वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। और खासकर से उस पार्टी से टिकट जिसकी जीत की संभावना ज्यादा हो या सेकंड नंबर की पार्टी हो, उनसे टिकट लेना यह आसान काम नहीं है। ये बड़ी लड़ाई है, एक अलग लेवल की लड़ाई, उस पर मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी कभी इस पर बात करेंगे। आपकी पार्टी कौन सी है, आप किस स्तर पर है, आपके उम्मीदवार विरोधी कौन है, आपकी पकड़ कितनी है, आप पार्टी में कितने पुराने हैं, आपका अपना जनाधार कितना है, आपका चेहरा कैसा है, बहुत सारी चीजों पर, पार्टी के समीकरणों पर, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी। लेकिन तीसरी चीज है, बिना इसके भी काम नहीं चलता। चौथी चीज जो मैंने बताया, पर्चा चर्चा और खर्चा में आपका पैसा। मैं ये बोल ही नहीं सकता कि झूठ बोल दूं बिना पैसे के काम चल जाएगा। आपके पास पैसा ना हो तो काम चल जाएगा, पार्टी दाव खेल सकती है, आपकी टीम दाव खेल सकती है, लेकिन आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है और ना ही मेरी पार्टी मेरे को पैसा देने को तैयार है और ना ही मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम हो कि जो मुझे पैसा है संसाधन देने को तैयार हो। अब बताइए, अब चुनाव लड़ा कैसे जाएगा? मजबूरी समझ लीजिए, जरूरत समझ लीजिए, परिस्थितियां समझ लीजिए, लेकिन बिना पैसे के वो संसाधन नहीं आ सकते जो संसाधन हमें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। हमें प्रचार तो करना पड़ेगा ना, और कितना पैसा चाहिए, मैंने बार बार बताया, जो चुनाव आयोग की लिमिट है जिस भी इलेक्शन में, क्योंकि मैं अपनी तो लिमिट नहीं बता सकता कि आपको कितनी लिमिट पैसे खर्च करने हैं, विधायक या सांसद में किस राज्य में कितने करने हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया आसान तरीका बताता हूँ कितना पैसा खर्च होने वाला है, जो चुनाव आयोग बोले। चुनाव आयोग ने लोकसभा में बोला हुआ है 90 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आएगा, तो समझ लीजिए उसका 10 टाइम आएगा। चुनाव आयोग जो है 1/10 बोल रहा है, विधानसभा में कई जगह पर 25 लाख है, कई जगह 30 लाख है, कई जगह 35 लाख है, जहां जितना है आपके राज्य में उसको into 10 कर लीजिए, बस इतना ही पैसा खर्च होने वाला। हाँ, कई लोग हंसेंगे बस कह रहे हैं सर, लेकिन सच्चाई यही है। आज सब चीजें महंगी हो चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन उन चीजों पर खर्चा लगाता ही नहीं जिन चीजों का एक्चुअल में खर्चा हो रहा होता है। इलेक्शन कमीशन जिन चीजों का खर्चा लगाता है ना, वो खर्चा तो बहुत कम है। जितना इलेक्शन कमीशन लगा रहा है 25-30 लाख रुपए में चीज आ जाएंगी, वो चीजें तो और सस्ते में आ जाती है। प्रॉब्लम क्या, उससे ज्यादा चीजें जो महंगी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन जो बस्ते दिए जाते हैं उनका खर्चा ही नहीं लगाता, जो बूथ पर बंदा बैठता है उसके पैसे नहीं लगाता। इलेक्शन कमीशन जो पदयात्राओं में रैलियों में लोग चलते हैं, जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं उनमें लोग बुलाए जाते हैं, जो गिफ्ट बांटे जाते हैं, जो सामान बांटे जाते हैं, उन सबका खर्चा नहीं लगाता इलेक्शन कमीशन। और असली ज्यादा किसी भी चुनाव में किसी भी उम्मीदवार का ज्यादा पैसा, 70% ज्यादा पैसा पता है कहाँ खर्च हो रहा है? लोगों पर खर्च हो रहा है, लोगों को मैनेज करने पर हो रहा है, इलेक्शन मैनेजमेंट पर हो रहा है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर हो रहा है, टीम बिल्डिंग मैनेजमेंट पर हो रहा है, पब्लिक मीटिंग मैनेजमेंट पर हो रहा है, जो लोगों को लाना रैलियों में पदयात्राओं में, जो काम कर रहे हैं, जो बूथ पर बैठे लोग हैं उन पर पैसा खर्च हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन काउंट ही नहीं कर रहा है खर्चे में। वो तो लगता है कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो फ्री में आ जाते हैं, आज की डेट में कौन फ्री में काम करता है? और फ्री में आ भी जाते हैं तो उनका खर्चा, फ्री वाले तो और ज्यादा महंगे पड़ते हैं, बट वो भी जरूरी है, बिना उसके चुनाव नहीं जीता जा सकता, खर्चा करना पड़ेगा साहब। आप अपनी जेब से करें, पार्टी करें, या आपके चाहने वाले करें, आपके लोग करें, जनता करें, कोई भी आप पर दाव खेले, पैसा लगेगा। बिना पैसे के भारत की राजनीति में वर्तमान में आप विधायक तो छोड़ दीजिए, आप ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकते, बिना पैसे के तो नहीं बन सकते हैं। अपनी जेब का नहीं लगाएंगे चल जाएगा, लेकिन पैसा तो लगेगा। चौथी चीज, पांचवी चीज क्या है? पांचवी चीज, आजकल जो जमाना आ गया ना, वो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, जो दिखता है वो बिकता है साहब। आपकी प्रेजेंस हर जगह, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर, प्रेजेंट रहना पड़ेगा। और केवल प्रेजेंट ही नहीं रहना है, आपकी प्रेजेंस इफेक्टिव होनी चाहिए। प्रेजेंट होना और इफेक्टिवली प्रेजेंट होना दोनों में अंतर होता है। इफेक्टिव प्रेजेंस का मतलब है वहां टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वहां कमेंट किए जा रहे हैं तो कमेंट की रिप्लाई होने चाहिए आपके, आपकी टीम के द्वारा, आपकी सोशल मीडिया टीम होनी चाहिए जो उसको मैनेज कर रही है, आपकी एक एक एक्टिविटी के बारे में जनता को पता होना चाहिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे हैं? जनता के लिए तो कर रहे हैं, आपके लिए जनता ही तो सर्वोपरि है, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। जिस जनता के हित के लिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, अपना पैसा, अपने संसाधन, अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, उस जनता को ही नहीं पता आप काम कर रहे हैं उनके लिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कम से कम यहां तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वर्तमान राजनीति में जो काम नहीं करते और प्रचार करते हैं। मैं तो कह रहा हूं काम करो और काम का प्रचार भी करो, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर आप होने चाहिए, इंस्टाग्राम पर होने चाहिए, ट्विटर पर होने चाहिए, फेसबुक पर होने चाहिए, लिंक्डइन पर होने चाहिए, जितने भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, खासकर से जो फेसबुक आजकल चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, इन पर तो आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, लगातार निरंतर आपकी प्रेजेंस, एक्टिव प्रेजेंस होनी चाहिए, आपका एक्टिव अकाउंट होना चाहिए जिसमें कनेक्टिविटी हो, एंगेजमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट हो, जिससे लोगों के बारे में भी आपको पता चल पाए कि लोग क्या चाह रहे हैं, और आपकी बात भी लोगों को पता चल पाए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपका विजन क्या है। आपके बारे में जितना ज्यादा लोगों को पता चलेगा, जितना ज्यादा लोग आपको सुनेंगे, जितना ज्यादा आप में इंटरेस्ट लेंगे, उतना आपकी चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी।